हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम और हिंदी में 5 नंबर दिलाएंगे क्योंकि वासुदेव शरण अग्रवाल है इनका नाम। तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे जीवन परिचय को पढ़ेंगे जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है और ऐसे अगर लिखकर आओगे जैसा मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो 5 में 5 नंबर पूरे लेकर आओगे। और उन्हें इन्होंने कहा है कि मैं 12th वाले स्टूडेंट को 5 नंबर दिलाकर रहूंगा और ये काम ये 8-10 साल से लगातार कर रहे हैं। यानी कि आज हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। आपके बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय आता है, लेकिन कैसे आपको जाके बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना है ताकि एग्जामिनर आपको 5 में 5 पूरे नंबर दे और कहे ले ले बेटा इस पे तेरा ही हक है। तो आज हम पढ़ेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाओं को, और ऐसे लिखकर आओगे तो 5 में 5 पाओगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, एग्जाम करीब आ रहा है, दिल की धड़कनें धक 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 कर रही हैं, यानी कि बढ़ रही हैं। तो देखो वासुदेव शरण अग्रवाल का जब भी आप जीवन परिचय लिखें, किसी भी लेखक का या कवि का, तो सबसे पहला हेडिंग आपका जीवन परिचय होना चाहिए, फिर हम साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर कृतियां यानी कि उनकी रचनाएं हेडिंग डालेंगे। अब आप कहेंगे सर जी साहित्यिक परिचय और रचनाएं पूछी जाती है, फिर जीवन परिचय क्यों लिखें? देखिए छोटा सा जीवन परिचय आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब हम वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लिखेंगे तो एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय, सबसे पहला हेडिंग। इसमें इनका जन्म, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, इनकी मृत्यु, यही लिखना है, बहुत बड़ा नहीं छोटा सा। साहित्यिक परिचय थोड़ा विस्तार से अच्छे से लिखना होगा, एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे नंबर देगा। तो जीवन परिचय में क्या लिखेंगे ध्यान से समझना। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ये पहली लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि इनका जन्म कहां हुआ, ठीक है, कहां इनका बॉर्न हुआ। फिर देखिए इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। अब चूंकि जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, इनके पिताजी लखनऊ में रहते थे, तो लखनऊ में ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। भाई जहां माता पिता रहेंगे वही शिक्षा भी होगी बचपन वाली, ठीक है, तो वही इनकी शिक्षा हुई। अब देखिए फिर लिख देना भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का ये महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया। मतलब आपको इनकी मृत्यु लिख देनी है, बस हो गया जीवन परिचय में, बस इतना सा लिखना है। और आपको जीवन परिचय 80 शब्दों में लिखना होता है तो बहुत बड़ा मत लिखिएगा क्योंकि पूरे हिंदी का पेपर सॉल्व करना होता है। और ये छोटा सा वीडियो आपको 5 नंबर दिला के रहेगा तो बिल्कुल मिस मत करना, ऐसे लिखकर आओगे फुल में फुल लाओगे। तो जीवन परिचय हो गया, आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे। देखो सबसे मेन हेडिंग यही है साहित्यिक परिचय। देखो इसमें आपको हिंदी साहित्य में इनका परिचय कैसा है उसके बारे में लिखना होता है, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं कि इस कान से सुने इधर से निकाल दिए, ऐसे ही अगर करोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपका परसेंटेज कम हो जाएगा। फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो क्योंकि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो पूरी दुनिया उसे आपको दिलाने में लग जाएगी और एक दिन वो मिल भी जाएगा। साहित्यिक परिचय देखो, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। उनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कट इच्छा थी, अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इसके अतिरिक्त इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबद्ध हैं। मतलब इनके जो ज्यादातर निबंध हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड हैं। मतलब कैसा ये रचना करते थे, किस प्रकार के लेखक थे, उसको आपको यहाँ पे साहित्यिक परिचय में लिखना होता है, बस हो गया, ठीक है। आगे देखिए इनके अधिकांश निबंध हो गया ये, इन्होंने अपने निबंधों में प्रागैतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया, ठीक है, ये साहित्यिक परिचय हो गया। थोड़ा सा और है, इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया। इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना होगा, कुछ खास नहीं है, लेकिन ये लेखक खास हैं आपके लिए, ये ध्यान देना, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जीवन परिचय देखा, साहित्यिक परिचय देखा, अब रचनाओं को देखेंगे कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने की है। तो देखो रचनाओं पे आ जाते हैं,
रचनाएं हेडिंग डालेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। देखिए इनकी रचनाएं निम्न लिखित है, जैसे देखो निबंध संग्रह, ऐसे हेडिंग डाल डाल के लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, कॉपी जितनी सुंदर दिखेगी उतना अच्छा नंबर आपको मिलेगा, ये अपने दिमाग में रख लेना। ठीक है, देखो निबंध संग्रह, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम, पृथ्व्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। यानी कि निबंध में जो इनकी रचनाएं हैं, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम, पृथ्व्या, वागधारा आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। हेडिंग डाल डाल के लिखोगे बहुत अच्छा रहेगा। शोध प्रबंध में इन्होंने पाड़िनकालीन भारत वर्ष इसका इन्होंने इनका इन्होंने शोध किया। आलोचना ग्रंथ में पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन, ये इनकी आलोचना वाली रचनाएं हैं। संपादन में पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का इन्होंने संपादन भी किया। बस हो गया, इतना सा जीवन परिचय लिखो और आपको 5 में 5 पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये था हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पूरा जीवन परिचय। पहले आपको जीवन परिचय लिखना है खूब सुंदर सा, फिर आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के साहित्य में इनका कैसा परिचय है उसको लिखना है, फिर आपको यहां पे रचनाओं को लिख देना है, 5 में 5 नंबर क्लियर। तो ये छोटा सा वीडियो 5 नंबर आपको दिलाएगा, 1% आपका बढ़ाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा और किस लेखक या कवि पर आपको जीवन परिचय चाहिए कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उनको भी आपको बता दूंगा। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।